लॉकडाउन के बीच जब भारत की एक बड़ी आबादी एक वक्त के खाने के लिए संघर्ष कर रही थी, पैदल ही हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर रही थी, उसी लॉकडाउन वाले समय में भारत में अमीरों की सूची बढ़ती जा रही थी। फोर्ब्स ने साल 2020 के टॉप 100 धनी भारतीयों की लिस्ट जारी कर दी है। बीते साल 2020 की सूची में 8 ट्रिलियन डॉलर में 5 ट्रिलियन डॉलर की बढ़त देखने को मिली है, जो इस साल कुल मिलाकर 13.1 ट्रिलियन डॉलर आंकी गई है। फोर्ब्स की इस अरबपतियों की सूची में इस साल यानी कि 2020 में 493 नए लोगों की एंट्री हुई है। फोर्ब्स की 35वीं सूची में अमेज़न के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेफ बेजोस लगातार चौथे साल दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। लिस्ट के अनुसार जेफ बेजोस के पास 177 बिलियन डॉलर की संपत्ति है। वही लगातार 13वें साल रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर शख्स बने हैं। चर्चा इस बात की भी हो रही है कि जब भारत में कारखाने बंद थे, दुकानें बंद थीं, बाजार बंद थे, रोजगार नहीं थे, उसके बावजूद भारत में धन कुबेरों की लिस्ट बढ़ती चली गई। मुकेश अंबानी की संपत्ति दूसरे नंबर पर काबिज गौतम अडानी की कुल संपत्ति से 63.5 अरब डॉलर अधिक है। मुकेश अंबानी के अलावा गौतम अडानी की संपत्ति 25.2 अरब डॉलर की है। शिव नाडर 20.4 अरब डॉलर के साथ तीसरे नंबर पर हैं। डी मार्ट के मालिक राधा किशन दमानी 15.4 अरब डॉलर के साथ चौथे नंबर पर और हिंदुजा ब्रदर्स 12.8 अरब डॉलर के साथ पांचवें नंबर पर हैं। इसी तरह सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक साइरस पूनावाला 11.5 अरब डॉलर के साथ छठे नंबर पर है। द पलोनजी मिस्त्री 11.4 अरब डॉलर के साथ सातवें नंबर पर, उदय कोटक 11.3 अरब डॉलर के साथ आठवें नंबर पर, गोदरेज फैमिली 11 अरब डॉलर के साथ नौवें नंबर पर और लक्ष्मी मित्तल 10.3 अरब डॉलर के साथ दसवें पायदान पर हैं। फोर्ब्स के अनुसार इस साल मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति में 37.3 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। दरअसल लॉकडाउन में फेसबुक और गूगल सहित एक दर्जन से अधिक विदेशी कंपनियों द्वारा जियो में निवेश किया गया था, इसी वजह से अंबानी की संपत्ति में जोरदार उछाल देखने को मिला है। अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश है जहाँ सबसे ज्यादा अति धनी लोग रहते हैं। अमेरिका में सबसे ज्यादा 724 अति धनाढ्य लोग रहते हैं। दूसरे स्थान पर चीन है जहां अरबपतियों की संख्या 698 है। भारत तीसरे स्थान पर है जहां पर 140 अरबपति रहते हैं। इसके बाद जर्मनी और रूस का स्थान है। फोर्ब्स ने यह भी कहा है कि भारतीय अरबपतियों की कुल संख्या पिछले साल 102 से बढ़कर इस साल 140 हो गई है और इनकी संयुक्त संपत्ति लगभग दोगुनी होकर 596 अरब डॉलर हो चुकी है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं हूं विनाश, कैमरे में सहयोग कर रहे हैं सुभाष खोकर। देखते रहिए पर्यावरण पोस्ट। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।